नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ ऑपरेटिंग मैनुअल ऑडियो बुक भारतीय रेलवे परिचालन नियमावली अध्याय 2 यात्रियों का संरक्षण और सुख सुविधाएं पार्ट 4। पैरा 2021 जलपान का जिन स्टेशनों पर भोजनालय है वहां यह काम भोजनालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। उनसे भिन्न स्टेशनों पर ऐसी सवारी गाड़ी जिसमें भोजन यान ना जुड़ा हो का प्रत्येक इंचार्ज गार्ड उस स्टेशन पर जहां से वह अपनी यात्रा आरंभ करता है या अन्य स्टेशन पर जहां गाड़ी सुविधाजनक समय में पहुंचती हो वातानुकूल तथा पहले दर्जे के यात्रियों से पूछेगा कि क्या उन्हें अगले स्टेशनों के भोजनालय भोजन की आवश्यकता है। यदि ऐसा हो तो गार्ड उस पुस्तक में जो उसे इस कार्य के लिए दी जाएगी संबंधित स्टेशन के भोजनालय के मैनेजर को संदेश भेजेगा और उसे ड्यूटी के स्टेशन मास्टर को स्वयं देकर प्रति पर उसके हस्ताक्षर करवाएगा। खा साधारण दूसरे दर्जे के यात्रियों के भोजन के लिए अगले स्टेशनों पर संदेश नहीं भेजे जाते, लेकिन जब इसके लिए विशेष अनुरोध किया गया हो तो गार्ड ऐसे अनुरोध का भी उसी रीति से पालन करेगा जिस प्रकार वातानुकूल और पहले दर्जे के यात्रियों के लिए किया जाता है और संदेश में यह भी लिखेगा कि अपेक्षित भोजन भोजनालय के तस्तरियों और प्लेटों में चाहिए या कंपार्टमेंट के अंदर थालियों में। गा जिन स्टेशनों पर नियमित भोजनालय है वहां इस कर्तव्य का पालन मैनेजर के आदेशों के अनुसार भोजनालय के कर्मचारी करेंगे। इसके लिए मैनेजर एक विशेष तार पुस्तक रखेगा। स्टेशनों पर मैनेजर तार की एक प्रति स्टेशन मास्टर को देगा और उसके लिए अपनी पुस्तक में प्राप्ति की रसीद लेगा और स्टेशन मास्टर अपने नाम से उसे अगले स्टेशन को प्रेषित करेगा। घा ड्यूटी का स्टेशन मास्टर स्वयं देखेगा कि उपरोक्त पैरा का खा गा और निम्नलिखित पैरा डा में भेजे जाने वाले ऐसे संदेशों के प्रेषण में कोई विलंब ना हो। डा छोटे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर गाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों से भोजन की व्यवस्था के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना को तुरंत अगले संबंधित स्टेशन के भोजनालय के मैनेजर को तार द्वारा भेजेगा और गाड़ी आने पर उसके गार्ड को भी भोजन के लिए की गई मांग की सूचना देगा। चा उपरोक्त आदेश साधारण या विशेष सैनिक गाड़ियों में यात्रा करने वाले सैनिकों के संबंध में भी लागू होंगे। छा रेल कर्मचारी भोजनालय वाले स्टेशनों की शिकायत पुस्तकों का प्रयोग नहीं करेंगे, अपितु जो शिकायत उन्हें करनी हो तो उसे उचित माध्यम से अपने मंडल रेल प्रबंधक को भेजेंगे। पैरा 2022 भोजनालय के संबंध में स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी का भोजनालय वाले स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर प्रतिदिन यह अवश्य देखें कि भोजनालयों में यात्रियों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है और मेजपोश चीनी के बर्तन व फर्नीचर अच्छी हालत में और शिकायत पुस्तक भोजनालय की डेस्क पर रखी जाती है। इस पुस्तक में लिखी गई सभी शिकायतों की सूचना तुरंत मंडल वाणिज्य प्रबंधक को अवश्य भेजनी चाहिए और स्टेशन मास्टर को अपनी टिप्पणी अवश्य देनी चाहिए। इस पुस्तक पर पृष्ठ संख्या अवश्य अंकित होनी चाहिए। खा
स्टेशन मास्टरों को कम से कम दिन में एक बार उस भोजन, मिठाई और अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करना चाहिए जो खोमचे वाले प्लेटफॉर्मों या प्रतीक्षा शेडो में बिक्री के लिए लाते हैं, और यह अवश्य देखना चाहिए कि वे ताली अच्छी और यात्रियों की आवश्यकताओं के लिए यथेष्ट है। स्टेशन मास्टर को स्थल पर ही आवश्यक कार्रवाई करने के अतिरिक्त बासी और गंदी वस्तुओं की बिक्री के प्रत्येक मामले की अवश्य रिपोर्ट करनी चाहिए। प्रत्येक खोमचे वाले के पास अपने माल की अत्यतन मूल्य सूची होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर ऐसे खोमचे वालों को यह चेतावनी अवश्य दें कि वे यात्रियों और सेना का वहन करने वाली प्रत्येक गाड़ी के लिए उपस्थिति रहे। प्रत्येक स्टेशन मास्टर की यह जिम्मेदारी है कि वह खोमचे वालों को अपने सामान की बिक्री के लिए शोर मचाने से रोकें, विशेषकर रात के समय वे शोर ना मचाएं, क्योंकि इससे यात्रियों को परेशानी होती है। जिन स्टेशनों पर गाड़ी कुछ समय के लिए रुकती है, वहां खोमचों वाले गाड़ी से पर्याप्त दूरी खड़े हों तथा अपनी ट्रे को गाड़ी से पर्याप्त दूरी पर रखें। खोमचे वाले यात्रियों को इस बात के लिए परेशान ना करें कि वे उनका माल खरीदें। पैरा 2023। स्टेशनों पर समय सारणी प्रदर्शित करना। 1989 के भारतीय रेल अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत सभी रेलों का यह आवश्यक कर्तव्य है कि जनसाधारण के लिए स्टेशन के प्रमुख स्थान पर समय सारणी प्रदर्शित करें, जहां वे उसे आसानी से देख सकें। इस धारा में की गई व्यवस्था इस प्रकार है। का प्रत्येक रेल प्रशासन को अपनी रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर प्रमुख तथा सुलभ स्थान पर अंग्रेजी और उस क्षेत्र में सामान्य रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली आधुनिक भारतीय भाषा में जहां स्टेशन स्थित हो। रेलवे की चालू समय सारणी की एक एक प्रति प्रदर्शित करनी होगी। समय सारणी प्रदर्शित ना करना या अधिनियम का उल्लंघन करना दंडनीय होगा, जिसके अनुसार भारत सरकार इस अवधि के लिए ₹50 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल करेगी जब तक चूक जारी रहती है। यह देखना स्टेशन मास्टर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि इस कर्तव्य का पालन किया जाता है। पैरा 2024। समय सारणी में परिवर्तन करते समय जनता को सूचना देना। जब समय सारणी में कोई परिवर्तन किया जा रहा हो जिसका यात्री गाड़ियों पर प्रभाव पड़ता हो, तो जनता को ऐसे परिवर्तनों के संबंध में उचित नोटिस दिया जाए, ताकि यात्रियों को इसके परिणाम स्वरूप कोई असुविधा व हानि न उठानी पड़े। इस प्रायोजन के लिए समाचार पत्रों में समय परिवर्तन का विज्ञापन देकर जनसाधारण को सूचित किया जाता है। कम से कम एक सप्ताह का नोटिस उचित समझा जाता है। गाड़ियों के समय में परिवर्तन के संबंध में जनसाधारण से जो आवेदन प्राप्त हो, स्टेशन मास्टर उनकी विस्तृत सूचना उन्हें अवश्य देंगे। पैरा 2025। जनसाधारण के लिए संदर्भ पुस्तकें। निम्नलिखित पुस्तकों की एक प्रति जनसाधारण के संदर्भ के लिए प्रत्येक स्टेशन पर अवश्य रखी जाए। पहला, 1989 का रेल अधिनियम 1989 का 24। दूसरा, उत्तर रेलवे के साधारण तथा सहायक नियम। तीसरा, समय और किराया सारणी। चौथा, भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची। पांचवा, भारतीय रेल सम्मेलन माल दर सूची। छठवा, भारतीय रेल सम्मेलन कोयला दर सूची। सातवा, स्टेशन दर सूचना पत्र। आठवा, डाक व तार गाइड।
पैरा 2026 लाइसेंस प्राप्त भारिक का जिन स्टेशनों पर लाइसेंस प्राप्त भारिकों को काम करने की अनुमति है वहां स्टेशन मास्टर यह अवश्य तसल्ली करे कि ऐसे सभी भारिक पुलिस द्वारा रजिस्टर्ड हैं। खा स्टेशन मास्टर यह भी अवश्य देखे कि लाइसेंस प्राप्त भारिक जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथेष्ट संख्या में वर्दी पहने हुए गाड़ियों पर उपस्थित होते हैं और प्रत्येक भारिक बिल्ला पहनता है जिस पर उसका नंबर अंकित है। गा जिन स्टेशनों पर लाइसेंस प्राप्त भारिक काम करते हैं वहां भारिकों की दर सूची अवश्य प्रदर्शित की जानी चाहिए और स्टेशन मास्टर उन्हें निर्धारित प्रभार से अधिक ना लेने दे। घा स्टेशन मास्टर यह अवश्य देखें कि जब गाड़ी आ रही हो तो लाइसेंस प्राप्त भारिक गाड़ी के साथ प्लेटफॉर्म पर ना दौड़े, प्लेटफॉर्म पर फैलाव में तब तक व्यवस्थित ढंग से बैठे रहें जब तक गाड़ी रुक ना जाए। पैरा 2027 स्टेशन हॉल्ट आदि का नाम पुकारना का स्टेशन मास्टर यह देखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे कि जब उनके स्टेशन पर यात्रियों का वहन करने वाली गाड़ी आए तो उनके स्टेशनों के नाम शुद्ध और स्पष्ट आवाज में पुकारे जाएं। खा जहां कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए संभव हो वहां दो व्यक्ति प्लेटफॉर्म के दोनों सिरों पर नियुक्त किए जाएंगे जो गाड़ी के रुकने पर प्रत्येक सवारी डिब्बे के दरवाजे पर स्टेशन का नाम शुद्ध और स्पष्ट आवाज में पुकारते हुए एक दूसरे की ओर तब तक चलते रहेंगे जब तक वे एक दूसरे के पास नहीं पहुंच जाते। गा निम्नलिखित मामलों में स्टेशनों के नाम नहीं पुकारे जाएंगे। पहला 21 बजे से 6 बजे के बीच ऊंचे दर्जे के सवारी डिब्बों के सामने। दूसरा उच्च सरकारी पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल आदि को ले जाने वाली स्पेशल गाड़ियों या सैलूनों के सामने। तीसरा निरीक्षण स्पेशल गाड़ियां। घा चल टिकट परीक्षक जहां नियुक्त हो और टिकट चेकिंग स्टेशनों पर टिकट परीक्षक टिकटों की जांच करते हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाते समय यह सूचना यात्रियों को देंगे। यदि आवश्यक हो तो जंक्शन स्टेशनों पर वे यात्रियों को गाड़ी बदलने के लिए भी कहेंगे। पैरा 2028 स्टेशन घंटी का बजाना। पहला टर्मिनल जंक्शन इंजन बदलने वाले और भोजनालय वाले रिफ्रेशमेंट स्टेशनों पर यात्री गाड़ी के प्रस्थान समय से 5 मिनट पहले चेतावनी घंटी या गोंग बजाया जाएगा। दूसरा यात्री गाड़ियों के लिए स्टेशन मास्टर निम्नलिखित रीति से गार्ड को गाड़ी चलाने का अधिकार देगा। का निम्नलिखित घंटी कोडों के अनुसार घंटी बजाकर। पहला अप गाड़ियों के लिए मुख्य मेन तथा शाखा लाइन 3 आघात बीट। दूसरा डाउन गाड़ियों के लिए मुख्य मेन तथा शाखा लाइन 2 आघात बीट। पैरा 2029 यात्रियों को जगाना का आरक्षित स्थान में यात्रा करने वाले सभी दर्जे के यात्रियों को टिकटों की जांच के लिए 22 बजे से 6 बजे के बीच नहीं जगाया जाएगा सिवाय उन मामलों के जहां यह विश्वास करने का औचित्य हो कि कोई यात्री बिना टिकट या अन्यथा अनियमित रूप से यात्रा कर रहा है। खा ऐसे मामलों में जहां अन्य रेलों के साथ सीधी बुकिंग के आरक्षित स्थान पर बैठे हों, जंक्शन रिकॉर्ड के प्रयोजन के लिए प्रस्थान स्टेशन पर उन यात्रियों के पास जो टिकट होंगे
उसका विवरण आरक्षित कार्ड लेबल के दूसरी ओर दर्ज किया जाएगा। गा मेल एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों के इंचार्ज गार्ड रात को किसी स्टेशन पर वातानुकूल एवं पहले दर्जे के यात्रियों को जगाएंगे यदि उन्होंने इसके लिए पहले से कहा हो। सवारी डिब्बा परिचारक इस कार्य में गार्ड की सहायता करेंगे। स्टेशन मास्टर या गार्ड जिससे यात्री ऐसा अनुरोध करे, जगाने की नियमों में यात्री का नाम, सवारी डिब्बे का नंबर व दर्जा और उस स्टेशन का नाम जिस पर यात्री को जगाना है दर्ज करेगा। घा जगाने की मीमो पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर केवल एक स्टेशन की प्रविष्टियां की जाएंगी। डा जिस स्टेशन पर यात्री को जगाया जाना है वहां गाड़ी के पहुंचने पर गार्ड अपने पास रखी हुई जगाने की मीमो के प्रतिपर्ण को फाड़ कर अपने रिलीफ को देगा और इसे ड्यूटी के स्टेशन मास्टर या टिकट कलेक्टर को सौंप देगा जो उसकी पावती गार्ड को पुस्तक के पर्ण पर अध्याक्षर करके देगा। चा यात्री को जगाने वाले स्टेशन से पहले ही यदि गार्ड की यात्रा समाप्त हो जाए तो वह जगाने की मीमो के पन्ने जो उसके पास हैं अपने रिलीफ को सौंप देगा जो आने वाले गार्ड की गाड़ी मीमो पुस्तक में उसकी पावती देगा। छा जहां यात्री को उतरना है उस स्टेशन पर गाड़ी के पहुंचने पर इस बात की सूचना देते हुए गार्ड टिकट कलेक्टर या अन्य व्यक्ति यह ध्यान रखेगा कि अन्य यात्रियों को अनावश्यक परेशानी ना हो। पैरा 2030 अत्यधिक भीड़ भाड़। पहला, स्टेशन मास्टर गार्ड और स्टेशन कर्मचारी यह देखें कि यात्रियों के पास जिस दर्जे के टिकट हैं उसके अनुसार उन्हें गाड़ी में स्थान मिल जाए और वे सारी गाड़ी में यथासंभव बराबर बराबर बट जाएं। दूसरा, कर्मचारियों को चेतावनी दी जाती है कि वे सवारी डिब्बों में अत्यधिक यह देखें कि यात्रियों के पास जिस दर्जे के टिकट हैं उसके अनुसार उन्हें गाड़ी में स्थान मिल जाए और वे सारी गाड़ी में यथासंभव बराबर बराबर बट जाएं। तीसरा, यात्री गाड़ियों के गार्ड इंचार्ज जो ही यह देखें कि यात्रियों के लिए और स्थान नहीं है तो वे आगे के स्टेशनों को तार अवश्य जारी करें और यदि नियंत्रित सेक्शन हो तो नियंत्रण कार्यालय कंट्रोल को भी सूचना दे दें। यदि अतिरिक्त वाहन ना जोड़े जो सकते हो तो स्टेशन मास्टर यात्रा प्रारंभ करने के इच्छुक यात्रियों को यह चेतावनी अवश्य दें कि गाड़ी में अत्यधिक भीड़ होने के कारण यदि वे चाहें तो अपनी यात्रा स्थगित कर सकते हैं, तथापि किसी गाड़ी में स्थान न होने पर भी टिकट देने से इनकार करना विधि संगत नहीं है। यद्यपि विदित यात्रियों को गाड़ी में चढ़ने से रोका जा सकता है। चौथा, जब किसी स्टेशन मास्टर को असामान्य संख्या में यात्रियों के आने की संभावना हो तो उसे अतिरिक्त स्थान के लिए अवश्य आवेदन करना चाहिए। पांचवा, जब किसी भी कारण से यात्री पीछे छूट जाएं तो स्टेशन मास्टर और गार्ड कंट्रोल या नियंत्रक स्टेशन मास्टर गैर नियंत्रित स्टेशनों के मामले में उचित कार्यवाही हेतु रिपोर्ट करेगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।